पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट चल रहा है, सभी सभ्य नागरिक अपने घरों में से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के मुखिया और मंत्री और उनके कार्यकर्ता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार अपने कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाएगी तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे प्रदेशवासियों के लिए नया क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं ताकि वे भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से बच सकें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही, बल्कि वे हेलीकॉप्टर पर यात्राएं कर आनंद कर रही है, बाकी समय में उत्सव मनाकर नाटियां डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि ना समझ प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर असमंजस में है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, जिस पर सारे प्रदेश की सुरक्षा का दायित्व था, उसका निदेशक जेल में है, उस स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में कौन इस मामले में जांच करेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मंत्री कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री धर्मशाला में जाकर खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य घोटाले की जन्मभूमि सोलन है। प्रदेश सरकार काम कर ही नहीं रही है, प्रदेश सरकार आनंद कर रही है, हेलीकॉप्टरों की सैर कर रही है, समय मिले तो नाटियां डाल रही है, उत्सव मना रही है। विपुल इसलिए उनको पता नहीं है कि कब लॉकडाउन लगाना है, कब हटाना है। हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसने लोगों को बचाने के लिए काम करने थे, उसकी इतनी बुरी हालत की डायरेक्टर हेल्थ जेल में, हेल्थ मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री, जांच कौन करेगा, मसला दबाने की कोशिश हो रही है। हम दबने नहीं देंगे कि एक और प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर और उसका परिवार और स्टाफ पॉजिटिव पाया गया, और दूसरी ओर दो दिन के अंदर अंदर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री धर्मशाला में जाके जिसे धज्जियां उड़ा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की। आप कल का वीडियो देख लीजिए, सैकड़ों लोग उत्सव की तरह वहां गए हैं, तो क्या इस उल्लंघन के आरोप में सबसे पहले मुख्यमंत्री पर ही आप FIR दर्ज नहीं होना चाहिए? अभी हम हर जगह जा करके एक बड़ा मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मुद्दा प्रदेश की जनता के ध्यान में आ जाए। इसकी शुरुआत हमने शिमला से की है, क्षेत्रीय दल के अंदर जो प्रायोरिटी पर फर्स्ट एजेंडा है, उस प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार और 2 लाख बेरोजगार जो बाहर से आए हैं, जो हिमाचल के लोग हैं, और साथ में NPS कर्मचारी 1.5 लाख, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा आज हमने उठाया, कोरोना से प्रभावित आज जिनके भूखे मरने की नौबत आ गई, प्रदेश के लगभग 1 लाख रेड़ी वाले, फड़ी वाले कामगार, नाई सैलून वाले, मोची टेलर मास्टर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, ये ट्रांसपोर्टर्स, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बसों वाले, ट्रक वाले, ऐसे अनेकों वर्ग, होटल वाले, ऐसे अनेकों वर्ग हैं जो आज समस्याओं से घिरे हैं। रोटी मिल नहीं पा रही है, ऊपर से बिजली का बिल आ गया है, ऊपर से मकान मालक, दुकान मालक किराएदार मांग रहे हैं, किराया मांग रहे हैं, ऊपर से सेल टैक्स वाले रिटर्न भरने को कह रहे हैं। इस तरह से चारों ओर से वो घिरते जा रहे हैं। तो आज ये प्रायोरिटी में नंबर 2 मुद्दा है। प्रदेश के दौरे पर हूँ, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुद्दे उठाऊँगा। क्या सर सोलन से भी लोग जुड़ेंगे आपके? सोलन से जुड़ेंगे नहीं, सोलन में तो तूफान आएगा, देखो तो सही थोड़ा। सोलन वाले देख नहीं रहे हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, सोलन में क्या नहीं हो रहा, जमीनें बिक रही हैं, बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, हेल्थ स्कैंडल की जन्मभूमि प्रोडक्शन फैक्ट्री सोलन से है, फर्जी डिग्रियां वाली यूनिवर्सिटी सोलन में है, प्रॉपर्टी डीलर बड़े बड़े तगड़े सोलन में हैं, सारे व्यापारी बड़े बड़े बद्दी ब्रोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया सब सोलन में है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो भूखे मर रही है सब सोलन में है, सीमेंट उद्योग सोलन में है। सोलन ही तो मेरी सरकार बनाएगा।